खोराबार पुलिस ने सोते समय महिला को चाकू मारकर हत्या करने का प्रयास करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि 20 नवंबर को ग्राम नौवा अवलटोला विनहा निवासी दुर्गावती देवी पत्नी संजय निषाद को 12 बजे रात में सोते समय हत्या की नीयत से गले पर चाकू मार के भाग जाने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने सहारा स्टेट के पास से गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान विकास कुमार पुत्र चंद्रिका निषाद निवासी थाना रामगढ़ताल के रूप में हुई है। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में बताया कि वह दुर्गावती देवी की छोटी बहन लक्ष्मीना से प्यार करता था, जिसमें दुर्गावती हम दोनों के बीच बाधा उत्पन्न कर रही थी, जिसके कारण उसे रास्ते से हटाने के लिए मैंने जान से मारने की नीयत से चाकू मारा था। गिरफ्तार करने वाली टीम में खोराबार थाना प्रभारी राहुल कुमार सिंह, उप निरीक्षक आशीष कुमार पांडे, रंजीत कुमार, कांस्टेबल ब्रजेश कुमार यादव, मुरलीधर, अजय कुमार पटेल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, बीस नवंबर को एक घटना घटी थी थाना खोराबार क्षेत्र में ग्राम नौवा ओवल टोला बेनहा में। एक अज्ञात व्यक्ति ने एक महिला के गले पर चाकू से प्रहार किया था और वहां से भाग गया था। इस क्रम में जो है पूरी टीम लगाई गई थी और इंस्पेक्टर खोराबार की टीम जो लगी थी उसने सीडीआर एनालिसिस किया और उसके द्वारा उनको ये पता चला कि जो उनकी बहन थी, जो घायल हुई थी महिला, उनकी बहन की काफ़ी बात हुई इस लड़के से। बाद में पूछताछ की गई और ये पता चला है कि ये जो लड़का है विकास कुमार, इसको इसका जो था कुछ प्रेम संबंध था उनकी बहन के साथ और वो इसके रास्ते में, क्योंकि रोड़ा बन रही थी इसलिए इसने कार्य किया था। इसको आज गिरफ्तार किया गया। इसका नाम है विकास कुमार पुत्र चंद्रिका निषाद। ये रामगढ़ गांव का ही रहने वाला है और इसको आज 2:30 बजे सहारा स्टेट के पास से गिरफ्तार किया गया। ये पेंटिंग का काम करता है, मकान वगैरह में जो पेंट का काम होता है वो करता है। कोई अपराधी का इतिहास नहीं रहा, ये प्रेम के चक्कर में इसने ये घटना कारित कर दी है और मोटरसाइकिल से आया था और वो वहाँ पे बाहर सो रही थी, बाकी जो परिवार था वो घर के अंदर था। इसने घटना को अकेले अंजाम दिया। इसके पास से अभी कुछ बरामदगी हुई नहीं है, इससे पूछताछ की जाएगी अभी और उसके बाद बरामदगी भी की जाएगी। सर, हत्या की वजह प्रेम प्रसंग ही माना गया? प्रेम प्रसंग ही है हत्या की वजह, इसने स्वीकार भी किया है।